गुड मॉर्निंग टू ऑल. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू ड्राइंग एंड द टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन विच इज़ ऑन पेज नंबर 30. हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट ड्राइंग. सो ये ड्राइंग का और टॉपिक होगा ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन. सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी आर्ट बुक में पेज नंबर 3030 पे थ्री पिक्चर्स दी हुई है. ओके, सो ये थ्री में से आपको क्या करना है, एक प्लेन बुक में बनानी है और एक कोई दूसरी लाइक सेम पिक्चर दोनों बुक्स में आप ड्रॉ नहीं करेंगे. इनमें से दो पिक्चर कोई एक प्लेन में एंड दूसरी वाली आर्ट बुक में. ओके, सो मैं यहाँ पर फर्स्ट वन जो है वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बता देती हूँ किस तरह से आपको करना है, जो कि मैं आपको प्लेन बुक में ही बता रही हूँ. ओके, सो यहाँ पर आपको एक सेमी सर्कल जो है वो बना लेना है. सो उसके लिए सबसे पहले हम करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देन हम राउंडर की हेल्प से हाफ सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे. बिल्कुल इक्वल आना चाहिए. ये यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो रहा है. अब जितना बड़ा करेंगे आपको कलरिंग में उतना ही ज़्यादा सही फायदा रहेगा, बिकॉज छोटी ड्राइंग में कलर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. सो ड्राइंग हमने जितनी बड़ी की हो कलरिंग उतनी ही आसानी से हम उसमें कर सकते हैं. सी, ये बिल्कुल परफेक्ट जो है यहाँ पर, एंड जो एक्स्ट्रा जो हमको नहीं चाहिए वो हम यहाँ पर रब कर रहे हैं. जो ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हमको लाइन करनी है वो भी हम कर लेंगे. तो ये हमारा हाफ जो सर्कल है वो रेडी हो गया है. सो नाउ इसकी अंदर के पार्ट्स जो बने हुए हैं, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है आपको, सर्कल दिख रहा है ना, रेक्टेंगल दिख रहा है एंड ट्राइंगल. सो ये सारे शेप्स जो है हम स्केल की हेल्प से जो है वो बना लेते हैं यहाँ पे. ये आप देखिएगा और ये इसके और इसके बीच में स्पेस एकदम इक्वल छोड़ी हुई है. सो इसको पहले हम ध्यान में रखते हुए, लाइक ये ज़रूरी नहीं है कि इस साइड और इस साइड में दोनों में आपको इक्वली स्पेस छोड़नी है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. इम्पॉर्टेंट ये वाला जो चीज़ है वो इसको ध्यान में रखना है. सो ये मैं एक ही बार में यहाँ स्केल रख रही हूँ. ओके, ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे स्केल रखा और यहाँ से ही मैं इतना स्पेस छोड़ूंगी, सिर्फ इतना. और यहाँ से मैं एक स्क्वायर के लिए मैंने, और इनके बीच में भी आपको ये गैपिंग देख लेनी है कितनी है. सो ये इसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अंदाजे से ही आप कर सकते हो. सो इसमें इतना था तो हमारी ड्राॅइंग एक्चुअली इससे थोड़ी बड़ी है, तो हम थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस जो है वो छोड़ देंगे. ये देखिए That's it, इतना ही. एंड ये देखिए ये यहाँ पे बिल्कुल इक्वली हमने छोड़ा है और ये ऊपर तक जाएगा. ये भी दूसरी साइड के भी. ये यहां से ओके. और दूसरे वाले भी बॉक्स को हम यहाँ पे, उससे थोड़ा छोटा रहेगा ये, ध्यान रहे ये आपका स्क्वायर ही बनना चाहिए, रेक्टेंगल नहीं बन जाना चाहिए. ये इतना और इसको इसके साथ में है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, इरेज करके और इसको वापस से हम, दैट्स इट. ये हमारा जो दो बॉक्स है वो कंप्लीट हो गया है. एंड नाउ क्या करेंगे हम, ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं स्क्वायर बना है उसमें ही एक रेक्टेंगल बना हुआ है, तो हमने उतनी ही स्पेस छोड़ी थी. तो इसको भी ज़रूरी नहीं है बीच में करें, ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं.
सो ये आधा आधा जाना चाहिए। ओके और इसको यहाँ से ऊपर की ओर लेंगे इस तरह से, इसको भी, और इन दोनों को आपस में हम मैच कर देंगे। ये बन गया हमारा अनदर स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल। एंड नाउ दूसरी साइड में भी वो थोड़ा नीचे होना चाहिए उससे, तो ये हम इतनी सी स्पेस लेंगे और यहाँ पर हम ये देखिए इस तरह से कर रहे हैं, इसको भी ऊपर ले लेते हैं और इसको मर्ज कर देंगे। ओके सो ये हमारा जो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल है अंदर में, सेमी सर्कल के अंदर, वो हमारा फिनिश हो गया है। एंड नाउ हम लेंगे यहाँ पे राउंडर। यहाँ पे भी मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे अंदाज़ा देखना है कि सही आ रहा है या नहीं। लाइक इन दोनों को ये कट करना चाहिए, तो इस तरह से आप एक बार इस तरह से करके देख लेंगे। ओके यस, मेरा एकदम अभी परफेक्ट जा रहा है। सो मैं यहाँ पे अभी ये इस सर्कल का जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, सो ये मेरा सर्कल जो है यहाँ पे वो बन के रेडी है। एंड नीचे के साइड में यहाँ पे दूसरा सर्कल, वो बिल्कुल छोटू सा चाहिए हमको, तो इसको आप क्या करेंगे, पेंसिल को थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे आप राउंडर की नोक से, और यहाँ पर यस तो इस पॉइंट पे रख के और यहां से हम इस सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं। ये बिल्कुल रेडी है हमारा। एंड नाउ टर्न आती है यहां से हम, ये देखिए इसके लाइन में ना इसके बीच से लेना है ना यहाँ पे, ये हमको लेना है बिल्कुल इसको थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग छोड़ के, है ना। तो हमारी ये पॉइंट हुई और इसको हम इतना स्किप करेंगे और यहाँ से इतनी स्पेस छोड़ के इस पोर्शन से हमको स्टार्ट करना है। किसके लिए? हाँ ये हमको स्टार्ट करना है ट्राइंगल के लिए जो यहाँ पे बना हुआ है। सो ये स्ट्रेट लाइन एक ले लेते हैं और यहाँ से दूसरी, एंड देन ये वाला थोड़ा लंबा होना चाहिए, ऊपर वाला थोड़ा शॉर्ट, एंड इसको इसके साथ में मर्ज कर देंगे। दैट्स इट। सो ये हमारी जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। सो ये हमारा सेमी सर्कल, इसके अंदर हमने फोर शेप्स लिए हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल, उसको हमने ओवरलैप किया हुआ है। ओके सो ये ओवरलैपिंग के साथ हमारी ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन जो है वो फिनिश हो गई है। एंड इसमें आपको कलरिंग करना है वाटर कलर, और जो कि आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके एंड इसके लिए आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बताया गया है पेज नंबर जो 30 पे ये ड्राइंग्स आपकी यहाँ पे बनी हुई है उसमें, और ड्राइंग ये जो सेकेंड वाली ड्राइंग है इसमें जो है आपको दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे कलर करके किस तरह से कलर किया हुआ है। सो आप भी ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसमें शेड्स जो है अपने अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। ओके थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन कीप ड्राइंग एंड बी क्रिएटिव। थैंक यू।